हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, यानी कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, हम चैप्टर 2 विलयन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इससे पहले हेनरी का नियम और उनकी सीमाएँ और अनुप्रयोग बताया। अब इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, और विलयन की सांद्रता में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और आपका जो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब है, ये सब विलयन की सांद्रता के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे विलयन की सांद्रता तथा विलयन की सांद्रता के प्रकार। देखिए, विलयन की सांद्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में इसके चित्र को समझेंगे, फिर इसके प्रकार को। देखिए, इसका डेफिनेशन हो गया विलयन की, लिखिएगा साथ साथ आप लोग अच्छे से, विलयन के प्रति इकाई, विलयन के प्रति इकाई या इकाई मात्रा, इकाई मात्रा, ठीक है, इकाई मात्रा में उपस्थित, में उपस्थित विलेय के, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस सिर्फ आपको समझना है, सांद्रता कहलाती है। यानी कि क्या कहा गया है कि विलयन के प्रति इकाई में उपस्थित विलयन, विलयन की मात्रा, ठीक है, प्रति इकाई आयतन, यहां पर लिख दीजिए आयतन रहेगा, ठीक है, आयतन। तो देखिए, विलयन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, या आप सिंपल कह सकते हैं विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है, दो चीजों से मिलकर विलयन बनता है। अब देखिए, किस विलायक, इसको लिख दीजिए विलायक, ठीक है। अब किसी विलयन में कितना विलेय है उसी की मात्रा को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता, यानी कि किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में कितने विलेय हैं उन्हीं की मात्रा को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। समझिए, एक चित्र की सहायता से समझाने का प्रयत्न करता हूं मैं आपको। देखिए, एक चित्र समझते हैं, फिर आपको हो सकता है समझ में आ जाए। देखिए, यहां पर एक बर्तन मैंने लिया है, ये देखिए, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में जो है पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी, जल की मात्रा अधिक है, यानी कि हमने इस बर्तन में मान लीजिए जल को भर दिया है, ठीक है, क्या भरा हमने इस विलयन में, हमने जल को भरा, जल जो वाटर है, इट्स ए सॉल्वेंट, ये एक विलायक है, ठीक है। मान लीजिए एक बर्तन हमने लिया जिसमें मैंने जल को भर दिया है, जो कि एक विलायक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं, ये देखिए इसके अंदर कुछ चीनी के कण हमने डाल दिए, ठीक है, क्या है, ये चीनी है। अब चीनी इज ये सॉल्यूट, ये एक विलेय है, ठीक है। तो वही कहा गया है इस, अब ये विलयन बन गया है, क्योंकि यहां पर विलेय चीनी और विलायक जल, अब विलेय विलेय को आपस में हमने मिलाया तो क्या बना, ये आपका फाइनली बन गया विलयन। अब विलयन तो ये बन गया, लेकिन इस भगोने में कितना चीनी है उसी की मात्रा को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। जितना ज़्यादा आप चीनी डालते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका शरबत जो बनेगा, क्योंकि चीनी पानी मिलकर शरबत बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा शरबत आपका गाढ़ा बनेगा, उसकी सांद्रता अधिक होती जाएगी। जितना कम आप चीनी डाले रहेंगे उसकी सांद्रता उतनी ही कम रहेगी। तो वही कहा गया, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं, यानी कि अगर हमने चीनी और पानी लिया है तो कितना चीनी हम डाल रहे हैं, कितना है चीनी की मात्रा, वही उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए, आप ये समझिए कि जब आपने चीनी डाला, ज़्यादा डाला, तो आपका जो शरबत है वो गाढ़ा बना, तो उसकी सांद्रता अधिक हो गई। अगर आप चीनी कम डालते तो वो पतला बनता आपका शरबत, ठीक है, तो वो तनु विलयन होता, उसकी सांद्रता कम होती,
ठीक है, तो यही है आपका विलयन की सांद्रता। अब देखिए किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां निम्न हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं यहां पर कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता व्यक्त व्यक्त करने की विधियां निम्न हैं, ठीक है, विधियां या प्रमुख विधियां निम्न है, यानी कि कई विधियों द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना विलयन में कितना है विलयन की सांद्रता वो हम कुछ विधियों द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखिए सांद्रता जो है, सांद्रता अगर हमें निकालनी है विलयन की, तो इसे हम तीन पदों में निकाल सकते हैं। एक है प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में, यानी कि कितना प्रतिशत जो है आपकी सांद्रता है। उसके बाद में दूसरा है भार, आयतन या ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है, और एक आपका है भार, भार के पदों में, ठीक है, भार भार के पदों में हम निकाल सकते हैं। तो देखिए किसी विलयन की सांद्रता हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, एक प्रतिशत के पदों में, एक भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में, एक भार भार के पदों में। जैसे देखिए अब इसमें भी कुछ डिवाइडेशन है उनको समझिए। देखिए प्रतिशत के पदों में हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इसमें कुछ विधियां हैं, जैसे देखिए एक आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपका है आयतन प्रतिशत, दूसरा क्या है आयतन प्रतिशत, ठीक है, तीसरा आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा है, इन सभी को हमें पढ़ना है, तो आप लोग पहले से इसका डिवाइडेशन समझे रहिए कि किस प्रकार से हमने निकाला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो हम प्रतिशत के पदों में तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशत, एक आयतन प्रतिशत, एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब भार के पदों में बात किया जाए तब कैसे निकाल सकते हैं, भार के पदों में जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए भार के पदों में एक हम मोलरता से निकाल सकते हैं, अब ये सब मैं आपको एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है, फिर फुल चैप्टर भी एक वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक नॉर्मलता और एक फार्मलता, फार्मलता, तो तीन प्रकार से हम भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में भी निकाल सकते हैं। अब भार भार के पदों में कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें दो विधियां हैं, एक है मोललता और एक है मोल प्रभाज या मोल भिन्न, मोल प्रभाज या इसी का नाम है मोल भिन्न, मोल भिन्न, ठीक है। तो समझ में आया, किसी भी विलयन की सांद्रता हम तीन पदों में निकाल सकते हैं, प्रतिशत के पदों में, एक भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर के पदों में, एक भार भार के पदों में। अब प्रतिशत के पदों में हम तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशत, एक आयतन प्रतिशत, एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। भार आयतन या ग्राम प्रति लीटर में हम तीन विधियों से निकाल सकते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता। भार भार के पदों में हम निकाल सकते हैं दो प्रकार से, एक मोललता, एक मोल प्रभाज। देखिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो तीन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को मैं एक एक करके आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, और इससे आगे का जो वीडियोज है मैं लगातार आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा।